To find LCM between two numbers or least common multiple of two numbers. Previous case में discuss किया था GCD और greatest common factor, but in that case we want to discussing about how to displaying LCM between or among two integer numbers. What do you mean by LCM or least common factors? Suppose that we are having first number as 12 and second number as 30. Again, we are taking same input, same as previous examples. इस केस में कोई ऐसा number find out करना है जो 12 का भी multiple है plus 30 का भी multiple है. इस केस में one more thing clear है, इन दोनों में से जो भी maximum number होगा, इस अगर कोई भी number दोनों ही number का multiple है तो 100% वो number multiple किसका हुआ 30, और 30 का कोई भी multiple always क्या हुआ greater than 30. means two numbers का LCM always क्या आएगा greater than मैक्सिमम ऑफ देम. मींस इन दोनों में से जो भी ग्रेटर या मैक्सिमम नंबर है, मींस इनका एलसीएम ही क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन दैट मैक्सिमम नंबर और लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू नंबर्स. फॉर एग्जांपल्स जैसे 12 के केस में 12 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं 12 और 24 और 36 48 60 72 एंड सो ऑन. दिस All are multiple of 12. Same as 30 के केस में possible multiples क्या हो सकते हैं? First one 30 means 30 का multiple कभी भी 30 से छोटा नहीं हो सकता. Same as 12 का multiple कभी भी 12 से छोटा नहीं हो सकता. Means factor small हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ multiple की बात कर रहा हूँ, not of factors. Means multiple of 12 और multiple of 30 like that. 30 के केस में possible multiples क्या होंगे? 30, next coming 60, next one is 90. 120, 150 and so on. इन दोनों में से find out क्या करना, least common multiple. इसे series में ऐसा कौन सा smallest number है जो दोनों का ही multiple है, इस which is multiple of 12 as well as multiple of 30. इस केस में 12 का multiple तो है, लेकिन 30 का multiple है क्या? नहीं. Same as 24, 12 का multiple है, but it is not a multiple of 36 12 का तो मल्टीपल है, बट इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 30. इस 36 को 12 से डिवाइड करना पॉसिबल है, लेकिन 30 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं. 48 को 12 से डिवाइड करना पॉसिबल है, लेकिन 30 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं. सेम है 60 12 से भी डिवाइड करना पॉसिबल, 60 को 30 से भी डिवाइड करना पॉसिबल. मींस देयरफॉर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 12 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 30. सेम इन दैट केस, इस केस में 30 का तो मल्टीपल है, लेकिन 12 का मल्टीपल है क्या? नहीं. सेम है 60 30 का भी मल्टीपल है प्लस 12 का भी मल्टीपल है. मींस इस केस में आगे के केस में बात करें, जैसे 90 की केसेस में 90 12 का मल्टीपल नहीं, लेकिन 90 30 का मल्टीपल है. 120 12 का भी मल्टीपल है और 30 का भी मल्टीपल है. मींस बोथ. इस केस में अगर आगे एक्सटेंड करेंगे आएगा 84, 96, 108, 120 लाइक दैट. मींस 120 दोनों ही केस में फाउंड हो, लेकिन 120 मींस इस केस में 60 एंड 120 एंड 180 दीज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 12 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 30. मीन्स ये सारे नंबर्स 12 का भी मल्टीपल है, 30 का भी मल्टीपल है, लेकिन इनमें से सभी में से एमंग दी नंबर लीस्ट कौन है? 60. देयरफॉर 60 इज अ एलसीएम ऑफ 12 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 60. मीन्स इस केस में फाइंड आउट क्या करना, लॉजिक किस टाइप से इंप्लीमेंट करेंगे? सबसे पहले टू नंबर्स कीबोर्ड से एंटर कराएं, कीबोर्ड से नंबर एंटर कराने के बाद फाइंड आउट क्या करें, मैक्सिमम ऑफ देम मींस मैक्सिमम ऑफ n1 और n2. इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, आसान किस में करा लें, मैक्स में. देन एवरी टाइम फर्स्ट टाइम जो भी मैक्स का वैल्यू जनरेट होगा, मैक्स का वैल्यू 12 से भी डिवाइड करेंगे, मींस n1 से भी डिवाइड करेंगे प्लस n2 से भी डिवाइड करेंगे. मींस जो भी एंटर्ड नंबर्स हैं n1 और n2 और दिस वन इज मैक्स, फर्स्ट टाइम मैक्स कितने नंबर्स डिवाइड करें, n1, n2. n1 और n2 से मैक्स नंबर कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक
दोनों ही नंबर सक्सेसफुली डिवाइड नहीं हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम मैक्स क्या है इन दोनों में से, 30। 30 की केस बात करें, फर्स्ट वैल्यू क्या हुआ मैक्स का, 30। 30 n1 से तो डिवाइड हो रहा है, सॉरी n 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 30 से डिवाइड करना पॉसिबल है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12 बट इट इज डिविजिबल बाय 30। लेकिन नेक्स्ट टाइम 30 के केस में नेक्स्ट कमिंग नंबर क्या हुआ, मीन्स वन थिंग क्लियर है, नंबर अगर दोनों का ही मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल होगा, 30 का भी मल्टीपल होगा, लेकिन 30 के केस में नेक्स्ट कमिंग नंबर क्या रहेगा, 60। 60 केस में 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है। इसलिए एवरी टाइम मैक्स में इंक्रीमेंट कितने से होगा, मैक्स से ही। मीन्स मैक्स केस में जब लूप मैनेज करेंगे तो आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, मैक्स से, प्लस आई में एवरी टाइम इंक्रीमेंट किससे हुआ, मैक्स प्लस इनिशियल वैल्यू ऑफ आई। इसे लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले प्रोवाइड क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन वॉइड मैन, इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड है, 2 इनपुट्स n1, n2, इस नंबर 1 और 2। देन इनमें से फाइंड आउट क्या करना होगा, मैक्स एंड आई। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिक्वायर्ड केस, रीडिंग इनपुट्स, इनपुट्स के केसेस में रीड डाउन क्या करना है, इस केस में वैल्यू ऑफ n1 एंड वैल्यू ऑफ n2, देयरफॉर एंटर n1, n2 और एनी मैसेज, स्कैन ऐप रीड डाउन वैल्यू ऑफ n1 एंड वैल्यू ऑफ n2, देयरफॉर वी आर अप्लाइंग ampersand ऑफ n1 और ampersand ऑफ n2। नेक्स्ट रिक्वायर्ड थिंग्स, फाइंड आउट मैक्सिमम ऑफ देम। इसके साथ मैक्सिमम ही क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम नंबर का तो मल्टीपल होगा, लेकिन हो सकता है वो मिनिमम का भी मल्टीपल, लेकिन मिनिमम नंबर कभी भी मैक्सिमम का मल्टीपल नहीं है। मीन्स फॉर एग्जांपल्स, अरे ये फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया जा 30, सेकेंड नंबर एंटर किया जा 75, 30 और 75 और एनी नंबर्स लाइक प्रीवियस केस क्या था, 12 और 30 की केसेस में 12, मीन्स जस्ट 12 के केस में बात करें, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी 12 का मल्टीपल 12 भी है प्लस 24 भी है, लेकिन दोनों ही नंबर 30 से छोटे हैं, इसलिए इन नंबर को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नंबर कोई मैक्सिमम से डिवाइड होंगी नहीं। लेकिन इसके बड़े नंबर से, मैं ये नहीं बोला हूँ कि बड़े नंबर से स्मॉल से सारे नंबर मीन 30 के मल्टीपल 12 से डिवाइड होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी ओनली किस केस में होगा, 30 के लिए मैक्सिमम नंबर के रिस्पेक्ट में। इसलिए इनिशियली सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करें, मैक्सिमम नंबर से। इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे, फॉर लूप आई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ देम, मैक्सिमम इज n1 ग्रेटर देन n2, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस एक्सप्रेशन विल रिटर्न n1 अदरवाइज n2। इस फाइनली आई में कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ n1 और n2। देन कब तक ये लूप कब तक चलाना है, जब तक इनके दोनों ही नंबर्स का मल्टीपल फाइंड आउट ना हो जाए। कंडीशन जस्ट बाद में अप्लाई करूंगा, बिफोर दैट एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट कितने से होगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस मैक्सिमम, आई प्लस मैक्सिमम। इसलिए मैक्सिमम सेपरेटली असाइन करा लेंगे बिफोर दैट इनिशियलाइज़, मैक्सिमम इक्वल्स टू n1 ग्रेटर देन n2, क्योंकि मैक्सिमम एक से ज़्यादा बार रिक्वायर्ड है। या तो आप बार बार सेम कंडीशन अप्लाई करोगे, अब इस कंडीशन के प्लेस पर के यूज करेंगे सिंपली आई इक्वल्स टू मैक्स प्लस एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट कितने से होगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस मैक्स। नेक्स्ट वन, जैसे इस केस में कंडीशन टू फाइंड होगा, अब कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, इफ n1 इज मल्टीपल ऑफ आई इक्वल 0 एंड सॉरी इस केस में आई चेक क्या करना है, आई अगर करंट वैल्यू ऑफ आई n1 का मल्टीपल है एज वेल एज n2 का मल्टीपल है, मीन्स आई के केस में टेस्ट क्या करेंगे, इफ आई मॉड्यूलो वाई n1 इक्वल 0 एंड
I modulo y n2 equal equal 0. अगर I का वैल्यू n1 से भी डिवाइड हो रहा है, n2 से भी डिवाइड हो रहा है, देन आप कंसीडर करो करेंटली I वैल्यू कैसा है इस केस में. I इज अ LCM ऑफ n1 एंड n2, देयरफॉर ब्रेक दिस लूप. इस केस में लूप ब्रेक हो जाएगा, प्लस लूप इस केस में ब्रेक किससे हुआ, ऑलवेज बाय यूजिंग दिस कंडीशन. मींस ब्रेक के इस केस में लूप के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, इसलिए कंडीशन में क्या प्रोवाइड कराएंगे, 1. इसे लूप ओनली किससे टर्मिनेट कराएंगे, ओनली बाय यूजिंग दिस केस और बाय यूजिंग सम फ्लैग वेरिएबल्स. इसलिए यूज क्या कराएंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस मैक्स. मींस इस केस में प्रोवाइड क्या किया, कॉन्स्टेंट में से इनफाइनाइट कंडीशंस. ऑलवेज लूप का टर्मिनेशन किससे हो रहा, ब्रेक स्टेटमेंट से. नेक्स्ट आउटसाइड दैट प्लेस डिस्प्ले क्या करा लेंगे, वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट एफ एलसीएम इज एलसीएम वैल्यू अवेलेबल किस फॉर्म में, इनसाइड वेरिएबल आई, देयरफॉर वी आर डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ आई. इस केस में टेस्ट करेंगे लाइक एन वन और एन टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन वन और एन टू. एन वन इज एंटर्ड एज 12, एन टू इज एंटर्ड एज 30. इसके अलावा अदर रिक्वायर्ड वेरिएबल्स क्या है, मैक्स और आई. मैक्स में क्या सान हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ देम. आई इज ए इटरेटिव वेरिएबल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इस केस में कंडीशन टेस्ट होगा एन वन, इस पहले आप इस सोर्स कोड को राइट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जीक्यूशन. एन वन के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, वैल्यू ऑफ एन वन विच इज 12. एन टू के प्लेस पर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एन टू विच इज 30 अकॉर्डिंग टू स्कैनअप. कंडीशन फॉल्स, इसलिए रिटर्न क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एन टू, एन टू वैल्यू क्या करेंटली 30, देयरफॉर मैक्स इज इनिशियलाइज्ड बाय एन टू मीन्स 30. मैक्स का भी वैल्यू क्या आसान हो जाएगा इस केस में, 30. नेक्स्ट वन आई इक्वल्स टू मैक्स. आई में इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है, मैक्स मीन्स 30 से. आई का भी इनिशियलाइजेशन किससे हो रहा है, 30 से. नेक्स्ट वन कंडीशन का भी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगा बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू. आई मॉड्यूलो वाई एन वन मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या है, आई मॉड्यूलो वाई एन वन इक्वल इक्वल 0 मीन्स आई का वैल्यू क्या करेंटली 30. 30 को डिवाइड कैसे करें, एन वन मीन्स 12. 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर क्या आएगा, 6. आई थिंक 6 मीन्स कंडीशन फॉल्स. फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है, सेकंड टेस्ट करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट होगा मैक्स से, आई का वैल्यू क्या है 30 और मैक्स का वैल्यू भी क्या है ऑल्सो 30, देयरफॉर आई बिकम 60. नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू क्या हो जाएगा 60, कंडीशन इज ट्रू. अगेन टेस्ट करेंगे सेम कंडीशंस, आई का वैल्यू क्या करेंटली 60, एन वन इज 12. 12 से 60 डिवाइड करेंगे, कंडीशन क्या है इस केस में, रिमाइंडर क्या आएगा 0 मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. फर्स्ट ट्रू, अब सेकंड कंडीशन टेस्ट करेंगे, अगेन वैल्यू ऑफ आई, आई बिकम 60, वैल्यू ऑफ एन टू इज 30. 60 को 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0. 0 इक्वल इक्वल 0 मीन्स बोथ कंडीशंस आर ट्रू. बोथ ट्रू है इस केस में, कंट्रोल करना है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. फाइंड क्या, डिस्प्ले क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ आई, आई वैल्यू करंटली 60 मीन्स 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 का भी मल्टीपल है प्लस 30 का भी मल्टीपल है प्लस इन दोनों का मिनिमम मल्टीपल नंबर है. मीन्स मल्टीपल तो 120 भी है, लेकिन 120 मिनिमम है क्या, नहीं. 120 और 60 में से मिनिमम क्या होगा 60, इसलिए डिस्प्ले क्या हो रहा है 60.